कुछ यहाँ की सील होती है, इंजन की सील होती है, वो शायद से आई थिंक वो खराब हो चुकी है, तो फिर उसे चेंज कर। अपना मोटर ब्लॉगिंग कुछ सेटअप कुछ ऐसा है। और ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल बाइक। ओके, तो यार मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि भाई साहब की ना गाड़ियाँ गुड़ियाँ थोड़ी रुके, लेकिन मेरे को लगता तो नहीं यार कि ये गाड़ियाँ ना आना रुकेंगी, क्योंकि आवाज़ बता रही है। तो यार ये अपनी बाइक देख रहे हो तुम लोग यार, थोड़ी साफ लग रही है, क्योंकि यार इसे थोड़ा चमकाया है मैंने आज। तो यार आज का क्या सीन यार, आज हम जा रहे हैं अपना रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर, क्योंकि क्या सीन हो गया था यार इसमें ना, एक दिक्कत आ गई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका ना। यार ये देखो तुम लोग, इसका जो हेड है ना, हाँ ये देखो हेड ना यार हल्का हल्का लीक हो रहा है। सील होती है, इंजन की सील होती है, वो शायद से आई थिंक वो ख़राब हो चुकी है, तो फिर उसे चेंज कराएंगे। उसकी वजह से क्या है ना कि हल्का हल्का तेल इंजन ऑयल लीक हो रहा है, तो मैंने पता किया था सर्विस सेंटर में, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने कहा कि करवा लेना। तो फिर यार और आज का अपना मोटर व्लॉगिंग कुछ सेटअप कुछ ऐसा है। और यार तुम्हें जो मेन चीज़ें बता रहा था ना कि मेरा माइक अडाप्टर ख़राब हो गया था, तो यार ये है अपना नया माइक अडाप्टर, और ये नया माइक है यार सोनी का। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा माइक था ये। तो यार ये वाला माइक है, रुक जाओ, अपना है सोनी का लैवियर को। तो यार ये 800 से 2000 के बीच में आ रहा है, तो यार ये थोड़ा बजट से ऊपर माइक है, लेकिन देखते हैं आज इसका साउंड टेस्ट करते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है। मैं फर्स्ट टाइम कैमरे में चेक कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि यार इससे पहले तो मेरा जो माइक अडाप्टर था वही ख़राब था, तो अब वो आया है। तो फिर बस चलो फिर स्विच होते हैं हटावट से मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे, और चलते हैं सर्विस सेंटर, करवाते हैं इसका काम। उसके बाद यार मेरा एक फ्रेंड है नवन, जो तुम लोग तो जानते ही हो, उसकी बाइक की सर्विसिंग है, तो उसकी बाइक की सर्विसिंग कराएंगे। और जो उसका सर्विस स्टेशन है वहाँ, मतलब थोड़ा बड़ा सर्विस स्टेशन है, तो वहाँ पे मतलब शोरूम भी है, तो वहाँ जो नई बाइक्स होंगी उनकी टेस्ट राइड भी लेंगे बढ़िया करके। तो फिर चलो यार मैं तुम लोगों को पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ना वो आया किसमें था, रुक जाओ पहले ना इसमें। तो यार देखो ये देख लो, मतलब कि ये आता है अपना कहाँ से, सिंगापुर से आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है अपना जो माइक अडाप्टर होता है रिप्लेस कराने के बाद। तो चलो यार फिर फटाफट से इसको करते हैं रैप अप, करते हैं फटाफट, पहनते हैं अपने ग्लव्स। चलो फिर यार बहुत दिनों के बाद इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, और यार इसमें तेल भी भराना है यार, क्योंकि ना इसमें तेल बहुत कम है। चेक कर रहे थे आवाज़ कैसी आ रही है अपने उसमें। तो फिर चलो यार चलते हैं फटाफट से, और आज थोड़ी स्पीड हल्की सी कभी कभी तेज़ करेंगे, क्योंकि मेरे को चेक करना है कि अपना जो माइक है नया माइक उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और अगर बढ़िया होगी तो यार आप लोग भी ले सकते हैं। बेसिकली यार मैंने ये एक दो वीडियोस देखी हैं, उसके बाद मैंने कंफर्म किया था यार ये सोनी का जो लेवियर गो माइक है ये, मतलब कि इसके बाद फिर जो एंड है वो फिर रोड का ही आता है एक, उसके वो तो भाई मतलब कि एंड ही है। और ये बेसिकली ये सिर्फ बना है मोटर व्लॉगिंग सेटअप के लिए, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वायर की वो बहुत कम है। मैं लिख दूंगा कितने कितने मीटर्स की है, कितनी भी जितनी भी होंगी उनके लेंथ, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा। और दिखता कैसा है वो भी मैं साइड पे एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, तो वो भी देख लेना तुम लोग। तो यार अब मैं कह सकता हूँ मेरा जो माइक है ये मतलब मेरा जो मोटर व्लॉगिंग सेटअप है प्रॉपर एक मोटर व्लॉगिंग सेटअप है, क्योंकि इसमें मेरा माइक भी एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला है, मतलब वो अभी चेक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यार ये बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देगा जैसा मैंने लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं। और अगर कहीं से थोड़ी बहुत वो विंड नॉइज़ वगैरह आएगी फिर वो तो हम यार अपना उसको थोड़ा सा इसकी जो पोजीशन है वो अगर इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो वो यार हो जाएगा अपना सेट। तो यार अभी हमें जाना है पहले पंडितवाड़ी से अपना लेफ्ट लेंगे बल्ली वाला के लिए, वहाँ पे अपना यार बाइक का सर्विस सेंटर है, और जो मेरे फ्रेंड का सर्विस सेंटर है उसका सर्विस सेंटर है बल्ली वाले से थोड़ा सा आगे जाकर है, तो मतलब उसे यहाँ इन्वॉल्वमेंट से इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कहता है कि मैं जहाँ से मैं बाइक ली मैं वहीं से कराऊँगा। मैंने कहा चल तेरी मर्जी यार, चलो फिर यार फटाफट चलते हैं। चलो जी चलो। चलो ठीक है जल्दी हो जाएगा आई थिंक, मुझे तो यही लगता है जहाँ तक कि। भैया वो फ़ोन क्या था ना अगर आपको इंजन की सील बोल, इंजन लीक हो रहा है एक साइड से लेफ्ट साइड का, हाँ करवा दो फिर देख लो। काटना ये अपने प्रशांत भैया, और हाँ हाँ भैया ठीक है।
चलो यार थोड़ी देर बैठते हैं, करवाते हैं भैया फिर इससे फटाफट। हाँ तो फिर यार बाइक का काम ना सारा हो चुका है, और यार जैसा कि मैंने 2-3 महीने पहले ही सर्विस कराई थी, तो इसका इंजन देखो यहाँ से हल्का सा लीक होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर अभी भैया ने, प्रशांत भैया ने, मतलब यार कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, क्योंकि यार अभी मतलब सिर्फ शायद से 2 महीने भी नहीं हुए तो वारंटी होती हुई है आई थिंक। मैंने यार तो कुछ पूछा नहीं, मैंने पूछा भैया को कि भैया पेमेंट कितनी करनी, मैंने कहा रहने दो कि हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो यार अपना सर्विस सेंटर है, बढ़िया काम हो जाता है इधर अपना। और यार देखो यार ना मैंने ना इसकी ना यार तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर टायर में ना ब्लू कलर की पट्टी आती है, ब्लू कलर की लाइन आती है, मैंने हटा दिया। उसके बाद लुक थोड़ा एग्रेसिव सा लग रहा है, वो भी सही लगता है, लेकिन यार ये भी थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है। और एक बार तुम सामने से देख लो कैसे लग रही, बढ़िया लग रही है ना, साफ़ सुथरी करी, साफ़ करी हुई। और ये जो तुम्हें देख रहे हो ना ब्लैक कलर के, यार ये ना भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली यार, ये हट नहीं रहा, पता है क्यों? क्योंकि ना ये ना वो है जो अपना जब रोड बनती है ना तो तारकोल जो गीला गीला नहीं होता, तो मैं बेवकूफ़ यार मैं ले गया उसमें और ये चिपक गया। अब ये मेरी कार में भी यही चिपका हुआ है। तो चलो यार आता है उसका वेट करते हैं फटाफट, फिर वो आएगा तो फिर वैसे ही निकलेंगे। टैंक अपना फुल कराएंगे यार, टैंक देख लो भाई बिल्कुल खाली है। अंदर भैया ही बोल रहे थे कि टैंक तो बिल्कुल खाली है। इधर वो ट्रिप है और चल चुकी है 140 ना, रिजर्व में 140 चला दी भाई मैंने, मतलब कोई कर सकता है बताओ ऐसा, रिजर्व में 140 कोई चला दे यार बता देना मुझे। दूर दूर तक साइन नहीं दिख रहा कोई पेट्रोल पंप का, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम जब मैंने सर्विसिंग कराई थी उसके बाद यहीं यहीं से डलवाया था यार पेट्रोल पम्प, थोड़ी तेल कहाँ गया वो पेट्रोल पम्प, फिर आ गया। तो यार अपना पेट्रोल पम्प आ चुका है, फटाफट से भरवाते हैं इसमें तेल, और आज चेक करते हैं कितने का तेल आता है, क्योंकि 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 आए कर लेता हूँ थोड़ा। अब ये इसको ना टंकी में मत छोड़ना ठीक है, पकड़ रखना टंकी इसकी पहले ही हिल रही, नॉर्मल है ना। बस बस भैया ऑटो ऑटो 1151 तेल आया अपना 12 लीटर। हवा करवा लेते हैं फटाफट से, हवा भरवाते हैं, टंकी तो फुल करवा ही लिए। ओके चल 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 फटाफट चल, 10 घंटे कहाँ लगाए तूने, अबे स्टार्ट करने में भाई जल्दी आ। चलो यार अभी आ चुका है, अब फटाफट से अपन लोग चलते हैं सिगाड़ी की सर्विस। सिगाड़ी में ना यार कोई इशू आ रहा है आई थिंक, शायद से बैटरी का ऐसे कुछ कोई इशू है, तो यार वो चेक करवाते हैं, इसकी सर्विसिंग होगी आज। बस फिर चलेंगे फिर घर फटाफट, अपना यही काम है आज का, देखेंगे वहाँ कोई बढ़िया सी मतलब बढ़िया सी इंद्रसेंद अगर रॉयल एनफील्ड की नई वाली हिमालयन होंगी तो उसकी टेस्ट राइड भी लेंगे यार, क्योंकि यार टेस्ट राइड तो लेना बनता है, नई बाइक इतनी बढ़िया बनाई है रॉयल एनफील्ड वालों ने। तो बस यार फटाफट से लगाते हैं बाइक को, कहीं यहीं कहीं लगाता हूँ यार, यहीं कहीं फंसाता हूँ, यहाँ फंसा देता हूँ यार, अंदर लगाता हूँ। इधर लगाऊँ ठीक है। ओह माय गॉड ब्यूटीफुल बाइक, ओके हिमालयन, हिमालय नहीं खड़ी यार इसकी कराएंगे। ये अपनी नई हिमालयन यार तुम लोग देख लो बढ़िया करके, इसकी लूंगा भाई टेस्ट राइड आज, देख रहे हो क्या बाप गाड़ी लगती है, अरे चला रही है यार बहुत। दिखा चाबी दिखा एक बार, अब तो हो जाएगी सर चल कर आई ना। भाई कुछ भी हो सकता है, अब तगड़ा भी हो सकता है कुछ, लेकिन वारंटी में जाएगा। जा भैया को दिखा,
अरे देना क्या, अभी आएगा उसे बताना भी तो क्या क्या दिक्कत है इसमें।